Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयूब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है अयूब एडिट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मॉडिक ग्रीन फोटोग्राफी सीखने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो जो थी पहले वो ये थी और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है। और इस तरह की फ़ोटो एडिट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से मेरी पूरी वीडियो देखते हैं और आप समझते हैं तो ईजिली एडिट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस फोटो को जो है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैं अपनी फोटो को जो है ओपन कर लिया हूँ। एंड उसके बाद हम इसमें थोड़ी बेसिक एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे लाइट में, और लाइट में जाने के बाद हम इसके एक्सपोजर को जो है हल्का प्लस करेंगे इतना फ्रेंड्स। एंड कॉन्ट्रास्ट को हम इसके प्लस 50 के आसपास रखेंगे। एंड हाईलाइट्स को हम इसके प्लस माइनस 50 रखेंगे। एंड शेडोज को प्लस 50 रखेंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। एंड बाइट्स को माइनस 25 के आसपास रखेंगे। एंड ब्लैक्स को भी इसके माइनस कर देंगे इतना फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद यहाँ से कर्व में जाएंगे, और कर्व में जाने के बाद इसकी मिडल वाइट कलर की मिडल लाइन को हम जो है यहाँ से हल्का डाउन कर देंगे इतना फ्रेंड्स। एंड उसके बाद कर देंगे यहाँ से इसको डन। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से कलर में, और कलर में जाने के बाद सिंपली जाएंगे मिक्स के अंदर, और मिक्स में हम इसकी जो है राइट कलर की सैचुरेशन को जो है हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड इतना। एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का प्लस करेंगे इतना फ्रेंड। एंड उसके बाद जाएंगे ऑरेंज कलर पर, और ऑरेंज कलर की हम सैचुरेशन को प्लस करेंगे एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड इतना। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से ग्रीन कलर में, सॉरी येलो कलर में, और येलो कलर में जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को माइनस 100 कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर की यूज को हम प्लस 100 करेंगे एंड सैचुरेशन को हल्का माइनस करेंगे फ्रेंड्स इतना। एंड ल्यूमिनेंस को हल्का प्लस कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद एक्वा कलर में जाएंगे, और एक्वा कलर में जाने के बाद इसकी यूज को प्लस 100 करेंगे एंड सैचुरेशन को प्लस 100 कर देंगे एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से पर्पल कलर में, और पर्पल कलर की यूज को माइनस 100 करेंगे एंड सैचुरेशन को हम देख लेते हैं, एंड सैचुरेशन को भी हम इसकी माइनस 100 कर देंगे फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद जाएंगे हम पिंक कलर में, और पिंक कलर की ल्यूमिनेंस को हम हल्का प्लस कर देंगे फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद कर देंगे सिंपली यहाँ से इसको डन। एंड उसके बाद जाएंगे फ्रेंड्स हम यहाँ से टेम्परेचर में, तो इसके टेम्परेचर को हम हल्का सा प्लस करेंगे फ्रेंड्स इतना। एंड टिंट को भी हम इसके हल्का माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड। एंड वाइब्रेंस को भी हम इसके हल्का माइनस करेंगे इतना फ्रेंड। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से सिंपली क्लैरिटी में, और क्लैरिटी में जाने के बाद इसकी क्लैरिटी को हम करेंगे हल्का प्लस एंड बेज को हल्का प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड। एंड उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से स्प्लिट टोन के अंदर, और स्प्लिट टोन में फ्रेंड्स हम ये जो हाईलाइट है हमारा, तो इस बारे कलर के हाईलाइट्स को हम उठा करके हाईलाइट्स को यहाँ ब्लू और पिंक कलर के बीच में यहाँ पर रखेंगे। एंड उसके बाद शेडोज को भी हम इसके इसी एरिया में रखेंगे इतने में फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद सिंपली कर देंगे यहाँ से इसको डन। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ करेंगे। सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ हम अपने लेग्स पर करेंगे, क्योंकि हमारी लेग्स जो है हैंड्स और स्किन, हमारी बॉडी पार्ट की स्किन जो है उससे मैच नहीं हो रही है, तो हम उसके लिए सेलेक्टिव टूल्स का यूज़ करेंगे। और सेलेक्टिव टूल्स में हम इसको यहाँ पर रखेंगे एंड इसके साइज़ को हम थोड़ा सेट करेंगे इतना फ्रेंड। एंड उसके बाद ब्राइटनेस में लाइट में जाएंगे, और लाइट में जाने के बाद इसके एक्सपोजर को जो है हल्का प्लस करेंगे फ्रेंड इतना। एंड उसके बाद सिंपली कर देंगे यहाँ से इसको डन। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, फोटो जो होगी हमारी पूरी तरह से तैयार। हमारी फ़ोटो एडिट करने से पहले कुछ ये थी, और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह से होगी। तो फ्रेंड्स,
आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और एंड यार, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री होता है यार, कोई आपके पैसे नहीं लगते, तो कर देना। तो मिलता है फ्रेंड्स न्यू वीडियो में बहुत जल्दी। एंड यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हम कर लेंगे अपनी फोटो को सेव।